ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपका क्लास सेकंड का इंग्लिश रीडर का चैप्टर टू रीड करेंगे। कौन सा चैप्टर रीड करेंगे? क्लास सेकंड का चैप्टर टू, द मर्चेंट्स बैग। चैप्टर का क्या नेम है? द मर्चेंट्स बैग। मर्चेंट कौन होता है? व्यापारी। मर्चेंट कौन होता है? व्यापारी। जो व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाता है तो वो होता है मर्चेंट। तो चैप्टर का क्या नाम है? द मर्चेंट्स बैग। सो टेक आउट योर बुक्स चैप्टर टू एंड टेक आउट वन पेंसिल आल्सो। अ रिच मर्चेंट वंस ड्रॉप हिज बैग इन द मार्केट प्लेस। मर्चेंट अभी मैंने बताया व्यापारी, व्यापारी। रिच बहुत ही अमीर, ड्रॉप्ड हिज बैग इन द मार्केट प्लेस। एक व्यापारी क्या है, मार्केट में आया था, उसका बैग क्या हो गया, मार्केट में छूट गया, उससे वो कहीं पे उसको रख के भूल गया या उससे गुम हो गया। अ पुअर ओल्ड वुमन फाउंड द बैग। कौन मैंने ढूंढना? एक बहुत ही गरीब औरत ने उसके बैग को क्या किया, ढूंढ लिया। मर्चेंट का बैग क्या होगा, लॉस्ट होगा, गुम हो गया मार्केट में, लेकिन उसको ढूंढा किसने? एक गरीब औरत ने। सी ओपन इट एंड शो इट हैड 15 गोल्ड कॉइंस। उसने बैग को ओपन करा और उसने देखा कि उसके अंदर क्या थे, 50 सोने के सिक्के थे। कॉइंस मीन सिक्के, 50 सोने के सिक्के थे। जस्ट एज शी वॉज वंडरिंग हूज बैग इट वॉज। वंडरिंग मीन्स सोचना, उसने सोचना शुरू कर दिया, सोच। She was wondering whose bag it was। सोचती कि ये बैग किसका होगा जिसके अंदर इतने सारे सिक्के हैं। तो तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती। See here merchant shout। मर्चेंट कौन था? वो व्यापारी था, वो चिल्ला रहा था। A reward, I will reward anyone who finds my bag। मर्चेंट चिल्ला रहा था कि मेरा बैग अगर किसी को मिल गया तो मुझे दे दो, मैं उसे क्या दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। रिवॉर्ड मीन्स कोई इनाम दूंगा, रिवॉर्ड मीन्स कोई इनाम दूंगा अगर मेरा बैग किसी ने ढूंढ लिया। द होनेस्ट, होनेस्ट मीन्स ईमानदार। औरत कैसी थी? ईमानदार। द होनेस्ट वुमन गेव द बैग टू द मर्चेंट। जो वो ईमानदार औरत थी, उसे उसका बैग मिल गया था, उसने उसको रिटर्न कर दिया, वापस कर देके मुझे कोई इनाम देगा। हियर इज योर बैग, ये आपका बैग यहाँ है। शी सेड विल यू गिव मी माई रिवॉर्ड। ये लो अपना बैग और मुझे मेरा रिवॉर्ड दो, मुझे मेरा इनाम दो। रिवॉर्ड सेड द मर्चेंट ग्रीडली काउंटिंग हिज गोल्ड पॉइंट्स। वो कहता है कि रिवॉर्ड, कौन सा रिवॉर्ड? ऐसे करता है रिवॉर्ड, पहले वो अपने बैग पर लेता और ग्रीडली मतलब लालची, लालची तो खाई, लालच था उसके अंदर, मर्चेंट्स के अंदर। वो अपने गोल्ड पॉइंट्स को काउंट करता है, गिनता है। रिवॉर्ड सेट द मर्चेंट्स ग्रीडली काउंटिंग हिज गोल्ड पॉइंट्स। माय बैग हैड 200 पीसेस ऑफ गोल्ड। वो से बैग उसको दे देती है और बैग को ले लेकर उसको ओपन करता है और अपने उसको पॉइंट्स को काउंट करता है। वो कहता है नो, इसमें तो 50 गोल्ड पॉइंट्स है, लेकिन मेरे तो कितने पॉइंट्स थे, 200 दोस्तों, मेरे कितने थे गोल्ड के पॉइंट्स। यू हैव ऑलरेडी स्टोलन, स्टोलन मीन्स चुराना। You have already stolen more than the reward. Go away. वो कहता है कि मेरे बैग में तो अभी 50 गोल्ड कॉइन्स है, लेकिन इसमें 200 थे, आपने ऑलरेडी मेरे कॉइन्स चुरा लिए, तो कहाँ है का रिवॉर्ड, कैसा रिवॉर्ड? तो वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके अंदर लालच है। वो उसको कहता है गो अवे, यहाँ से चले जाओ। आई एम पुअर बट आई एम होनेस्ट। होनेस्ट का मैंने पहले भी मीनिंग बताया था, होनेस्ट मीन्स ईमानदार। वो लेडी कहती है, औरत कहती है कि मैं पुअर हूँ, गरीब हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, ईमानदार हूँ। सेड द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी औरत ने कहा, आई विल गो टू द क्वींस पैलेस एंड आस्क फॉर हेल्प। पैलेस क्या होता है? महल, जिसमें बहुत बड़े राजा रानी रहते हैं, वो होता है महल। पैलेस मीन्स महल। इफ द आई एम पुअर बट आई एम होनेस्ट, वो
कहती है मैं गरीब हूँ लेकिन मैं फिर भी ईमानदार हूँ, मैं अब क्वीन के पैलेस में जाऊंगी, मैं हेल में जाऊंगी और उसको अपनी मदद के लिए बोलूंगी, हेल्प मी टू मदद, कि वो ही मेरी बात सुनेगी कि मैं गरीब हूँ लेकिन मैंने पैसे नहीं चुराए। द क्वीन कॉल्ड द मर्चेंट्स एंड लिस्टन्ड टू बोथ पर्सन। क्वीन ने मर्चेंट्स को बुलाया, व्यापारी को बुलाया, दोनों की क्या है आराम से बात सुनी कि वो दोनों के क्या क्या बोल रहे हैं, कि दोनों की स्टोरी सुनी। देन शी सेड आई बिलीव यू बोथ यू आर बैग हैड 200 पीसेस ऑफ गोल्ड। वह कहती कि मैं दोनों पे बोथ मींस दोनों पे विश्वास कर रही हूँ, बैग हैड कि आपके बैग में कितने गोल्ड पॉइंट्स थे, 200। दिस बैग, वो कहती है कि हाँ ठीक है आपकी बात मान लेती, जब आपका बैग गुम हुआ था तो उसमें कितने पीसेस थे, 200। बट जब इसको मिला, वो मैन को ये बैग मिला, उसको मिला तो उसमें कितने थे, ओनली 50 पीसेस। सो दिस कैन नॉट बी योर बैग, द क्वीन सेड टू द मर्चेंट। सही बात है, अब मर्चेंट को लालच था, ग्रीडली था वो, उसने कहा कि मेरे बैग में तो, जबकि उसमें 50 कॉइन्स थे, लेकिन उसने कहा कि मेरे बैग में तो कितने थे, 200 थे। अब दोनों क्वीन के पास गए तो क्वीन ने कहा ठीक है आपके बैग में तो 200 थे, लेकिन जो वोमैन को बैग मिला उसमें कितने हैं, 50। सो इट्स यू नॉट योर बैग, तो वो कहते कि आपका बैग नहीं है, ये तो इसका ही बैग है, किसी और का बैग है, ये आपका बैग नहीं ना, क्योंकि आपके में तो 200 थे। Then the queen gave the bag having 50 gold coins to the honest woman. Queen क्या करती है? किसको दे देती है? वो bag old woman को दे देती है, जो बेचारी गरीब की poor थी लेकिन वो honest थी। The merchant had nothing to say. वो merchant अब क्या बोले? वो कुछ बोलने लायक नहीं रहा था। Already उसने थी झूठ बोली थी। He knew that he was his punishment for the being dishonest and greedy. Punishment क्या होती है? सजा। उसने अपने मन मन में सोचा कि है तो मेरी क्या है, सजा, क्योंकि मैंने हद से ज्यादा लालच दिखाया। उसके कितने थे, 50 कॉइन्स, लेकिन उसके लालच में कितने बोले, 200। तो लालच के क्या होता है, लालच बुरी बला होती है, अगर आप किसी चीज का लालच करोगे तो वो उल्टा आप पे आके गिरती है वो चीज। तो उसने लालच करा तो उसको क्या मिला, उसके 50 कॉइन्स भी गए, 200 तो गए, 200 तो थे ही नहीं, उसके 50 कॉइन्स भी गए, उसको कुछ भी नहीं मिला, नथिंग। और जो होनेस्ट वुमेन थी उसको क्या मिल गया, 50 कॉइन्स का पैक। तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमारे पास जो जितना है हमें उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं इसके कीवर्ड। मर्चेंट, अ मैन हु सेल्स थिंग्स। मर्चेंट होता वो होता है व्यापारी, जो एक शहर से, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है, कोई ना कोई वहां पे व्यापार करता है, बिजनेस करता है, चीजों को बेचता है। वंडरिंग, थिंकिंग, वंडरिंग मीन सोचना, कोई भी चीज थिंकिंग करना। होनेस्ट, अ पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ। होनेस्ट कौन होता है, ईमानदार, जो सच बोलता है। ग्रीडली, वांटिंग मोर एंड मोर। ग्रीडली कौन होता है, लालच होता है, जिसको और चाहिए होता है, वांटिंग मोर एंड मोर, हद से ज्यादा चाहिए चाहिए होता है, वो होता है लालची। स्टोलन, टू टेक अवे समथिंग दैट इज नॉट योर्स। स्टोलन, आपकी चीज कोई गुम हो जाना। Dishonest, a person who says things that are not true. Dishonest वो होता है जो झूठ बोलता है, वो सच नहीं है, वो झूठ बोलता है। अब हम इसके एक्सरसाइज देखेंगे, टिक द करेक्ट आंसर। What was in the merchant's bag? Merchant's के बैग में क्या था? Gold coins. The old woman said that she was poor, but she was honest. वो गरीब है लेकिन वो क्या है? Honest है, ईमानदार है। द मर्चेंट वॉज, मर्चेंट कैसा था, ग्रीडी, लालची। द डिसहोनेस्ट पर्सन इन द स्टोरी वॉज मर्चेंट। मर्चेंट जो था ना डिसहोनेस्ट, वही तो कह रहा था डिसहोनेस्ट। नेक्स्ट, राइट ही फॉर ट्रू एफ ओ फॉल्स। The merchant was helpful. Merchant क्या helpful था? No. False. The queen did full justice. हाँ, queen ने तो बिल्कुल अच्छे से न्याय किया था, तो true. The woman did not get any bag. Wrong. Woman तो bag मिला था। There were 1000 silver coins in the bag. False. इसके अंदर तो gold के coins थे और वो भी कितने थे? ठीक है। नेक्स्ट,
क्वीन क्या थी? डिड जस्टिस। उसने नए किया था क्वीन ने। मैन क्या था? ग्रीडी, लालची। बैग में क्या थे? सॉरी, क्वीन, डिड जस्टिस, मर्चेंट्स, ग्रीडी, बैग 50 पॉइंट्स। मैन नॉट बी, मस्ट नॉट बी ग्रीडी। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। द मर्चेंट लॉस्ट हिज बैग इन द मार्केट प्लेस। मार्केट में गुम हुआ था ना उसका बैग। द पुअर ओल्ड वुमन फाउंड अ बैग, इट हैड 50 कॉइंस है ना उसके अंदर। द मर्चेंट सेड ही वुड गिव अ रिपोर्ट। कहा था ना कि मेरा बैग अगर किसी दिन को मिल गया तो मुझे दे दो, मैं उसको क्या दूंगा? रिपोर्ट दूंगा, इनाम दूंगा। लेकिन वो झूठ बोल रहा था। द ओल्ड वुमन डिसाइड टू गो द क्वींस पैलेस। सही, हम ना दोबारा समझते हैं। मैं जब ये ना टॉम प्रिंटिंग है, यहाँ पे वुमन आएगा क्योंकि मैन तो कहीं था ही ना, वो तो मर्चेंट था, तो ये रॉन्ग है। क्वीन क्या थी? डिड जस्टिस। वुमन कैसी थी? मस्ट नॉट बी ग्रीडी। बैग में कितने थे? 50 गोल्ड कॉइंस। और मर्चेंट्स क्या था? ग्रीडी था, वो बहुत ही लालची था। अब ये है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है जिसकी हेल्प से आपको इनको फिल करना था। मर्चेंट लॉस्ट हिज बैग इन द मार्केट। मार्केट में उसने लॉस्ट किया था ना अपने बैग को। द पुअर ओल्ड वुमन फाउंड अ बैग, इट हैड 50 गोल्ड पॉइंट। द मर्चेंट सेड ही वुड गिव अ रिवॉर्ड। उसे बोला था ना कि मेरा बैग जिसको मिल गया मैं दे दो, उसको देगा रिवॉर्ड। लेकिन वो झूठ बोल रहा था। द ओल्ड वुमन कहां पे गई थी? क्वींस पैलेस। क्वीन के महल में गई थी ना वो। अब आपका नेक्स्ट है, आपको राइट एनी नेम। चलो हम यहाँ पे क्लियर क्लियर एंड यूज एज टू शो दैट द फॉलोइंग थिंग्स आर हिज और हर थिंग्स। आपको इसे एस को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रोफी लगानी है आपको। ऑस्ट्रोफी का यूज करना, इसका मतलब होता है ये का के लिए होती है। रोहित का बैग, रिया का बैग, राम का बैग, राम की पेंसिल, श्याम की बोल, तो ये का के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? रियाज पेंसिल, रियाज पेंसिल, बुक, रियाज बुक, रिया की बुक, रियाज बैग, रियाज रियाज बोल। ये हम इसका यूज कब करते हैं? एस का यूज कब करते हैं? का के लिए करते हैं कि रिया का बैग, रिया की बॉल, रिया की बुक, रिया की पेंसिल। इसका इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। इसका यूज होता है का के लिए। अब नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं इसके। Rewrite the following sentence using as the first one has been done for you. This cap belongs to Tina. कि ये किसकी बैग है? टीना की। टीना की क्या है? कैप है। तो this is Tina's cap. टीना की कैप। टीना's
अब नेक्स्ट है दिस इज द मदर ऑफ गौतम, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? दिस इज गौतम्स गौतम्स मदर, कि ये किसकी मदर है? गौतम की। दिस इज गौतम्स मदर। नेक्स्ट है द कैट दैट बिलोंग टू अखिल इज ग्रे, कि ये कैट किसकी है? अखिल की कैट है ये, और ये कैसी है? ग्रे। तो हम लिखेंगे द अखिल कैट इज ग्रे, द अखिल्स कैट इज ग्रे, अखिल की कैट कैसी है? ग्रे। द हाउस ऑफ माई अंकल इज ओल्ड, कि मेरे अंकल का हाउस कैसा है? ओल्ड है। कैसा है? ओल्ड है। द कैट दैट बिलोंग्स टू अखिल इज ग्रे, तो हमें क्या है? अखिल की कैट को कैसे बता रहे हैं? ग्रे। तो अखिल्स अखिल्स कैट इज ग्रे, अखिल की कैट कैसी है? ग्रे। द हाउस ऑफ माई अंकल इज ओल्ड, माई अंकल्स हाउस इज ओल्ड, मेरे अंकल का हाउस कैसा है? ओल्ड है। आपको द को क्या करना है? रिमूव करना है, उसकी जगह क्या आ जाएगा? एस लगा के ऑस्ट्रोफी का यूज हो जाएगा। I used the crayons of my cousins crayons। मैं किसके कलर यूज कर रहा हूं? अपनी कजन्स के। नेक्स्ट है आपको मैच करना, मैच द कॉलम टू शो व्हाट पीपल डू द फर्स्ट डन फॉर यू, कि आपको मैच करना है कि ये वाले पीपल जो हमारी हेल्प करते हैं, हेल्पर होते हैं, वो कौन सी हेल्प करते हैं? डॉक्टर क्या है? ट्रीट व्हेन वी आर अनवेल। कोबलर, कोबलर क्या करता है? मेंड्स अवर शूज। ई मेक्स एंड मेंड्स अवर शूज। अब बेकर, बेकर क्या होता है? केक बनाता है ना हमारे लिए, ब्रेड और केक। ग्रोसर, ग्रोसर क्या करता है हमारे लिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसे हम ग्रीन ग्रोसर भी बोलते हैं। डेंटिस्ट क्या करता है हमारे? चेक अवर टीथ, हमारे टीथ को चेक करता है डेंटिस्ट। कोई टीथ में प्रॉब्लम होती है तो हम किसके पास जाते हैं? डेंटिस्ट के पास। फायरमैन पुट्स आउट फायर, आपको बुझाने का काम करता है ना फायरमैन, तो ये क्या है? अवर हेल्पर है। इनके जो जो वर्क है हमने उसी इनको क्या कर दिया? मैच। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ही इजी चैप्टर था द मर्चेंट्स बैग, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये। इसके बारे में थे कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए, जो हमारे पास जितना उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, और कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आप इसको एक बार खुद से भी रीड करके देखना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।